प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको एंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है यहाँ आने से पहले, और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। कम से कम आपको मैं 10 पॉइंट बताऊंगा जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आने से पहले। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, आपके लिए अच्छा होगा, बाकी मर्जी है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, और आज मुझे मतलब बहुत शर्म आ रही है ब्लॉग बनाते हुए। मेरे कजन्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं वो। तो फिलहाल 8 घंटे कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग करके हमने एक ब्रेक लिया है, हम चाय पीने के लिए रुके हैं। हाय, कैसे हो आप? वे नीचे आ जा, जरा हाय, कैसे हो आप? फाइनली हमने केदारनाथ की चढ़ाई चढ़नी स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर बची है। 2 घंटे लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फाइनली हमारा नंबर आया है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर चढ़ना तो है ही। फाइनली आफ्टर सो मैनी ईयर्स मुझे मौका मिला केदारनाथ आने का। बाबा ने हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया हमें। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो केदारनाथ आ पाते हैं, और मुझ जैसे पापी इंसान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है केदारनाथ के दर्शन करना। मुझे अब तक की सबसे सुंदर चीज़ ये लगी है। ये यहाँ पर गंदी शक्ल वाले लोग भी हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, और बहुत ही ज़्यादा धूप निकल चुकी है, हालत बुरी हो चुकी है। आधे घंटे में ही चला जा नहीं रहा, पर चढ़ना तो है ही। जय महाकाल। सर पे हैंकी पहनना पड़ा, पर यहाँ का मौसम, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुबह के 10 बज चुके हैं। फाइनली मैंने चढ़ाई करने के लिए एक हथियार ले लिया है जो कि चढ़ाई चढ़ने में मेरी हेल्प करेगा। गेस करो क्या है? चलो छोड़ो यार, गेस करके क्या करोगे? वो है डंडी। चढ़ाई चढ़ने में मेरी बहुत हेल्प कर रही है। मंजिल तो मेरी यही थी बाबा, यहाँ आने में 23 साल लगा दिए। ये झरना गिरता हुआ केदारनाथ के रास्ते में, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। हम 9 किलोमीटर चल चुके हैं और 7 किलोमीटर अभी भी बाकी है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से।
और ये हम मंजिल के बहुत करीब पहुंचते हुए, ये हम शॉर्टकट ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, आपसे मैं अनुमति करूंगा कि आप ट्राई ना करें। ये केदारनाथ का शॉर्टकट है, सीरियसली बताऊं मैं 18 गिलास नींबू पानी पी चुका हूँ अब तक, तब भी ये प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही। शाम के 5:30 बज चुके हैं और केदारनाथ बस अब 2 किलोमीटर और दूर है। जय भोलेनाथ। बस शाम के 5:30 बज चुके हैं, सूरज और धूप पूरे तरीके से ढल चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आई थिंक अब मुझे जैकेट निकालने चाहिए। यहाँ का टेम्परेचर शायद 3 या 4 डिग्री है, अब ठंड से कप कपाट मछली शाम के 6 बज चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, टेम्परेचर माइनस में हो चुका है। फाइनली द न्यू डे न्यू जर्नी बिगिंस। एक्चुअली कल रात को केदारनाथ में सारे रूम्स फुल हो चुके थे, इस वजह से हमें 5 किलोमीटर नीचे ही टेंट हाउस में ठहरना पड़ा। अब बस हम मंदिर से 3 किलोमीटर और दूर है और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि धूप जल्दी से ना निकले। अब हमारा आगे का प्लान ये है कि फटाफट से ऊपर मंदिर पर आरती देखकर हम बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे पापा मम्मी और बुआ थोड़े एजिड हैं, मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है ऊपर चढ़ाई करने में। मैं इस वक्त अपनी फैमिली से 2 किलोमीटर आगे हूँ और होप सो मैं और 1 से 1.5 घंटे में मंदिर तक पहुँच जाऊँगा। पर जाने का फ़ायदा तो है नहीं, मुझे वहाँ बैठकर इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा फैमिली का। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ कि अगर आप केदारनाथ अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो घर से ही ऑनलाइन रूम बुक करके आए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, यहाँ पे रूम फुल हो जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो, और एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि आपको हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, घोड़े से जाना चाहिए, जो लोग पैदल कंफर्टेबल नहीं है, मैं आपको एंड में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। घोड़े से जाना डेंजरस क्यों है मैं आपको ये भी एंड में बताऊँगा। आप सबने वैष्णो देवी की चढ़ाई तो चढ़ी ही होगी, तो प्लीज़ ये सोचने की गलती मत करना कि अगर आपने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ ली तो आप केदारनाथ की चढ़ लोगे। केदारनाथ की चढ़ाई ऑलमोस्ट डबल है वैष्णो देवी से और बहुत ज़्यादा खड़ी भी है, बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो प्लीज़ ये सोचने की गलती मत करना। ओके, वैष्णो देवी में आपको इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी मिल जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ घोड़े और हेलीकॉप्टर है और जो कि बहुत कॉस्टली है। एम आई द ओनली वन जिसको यहाँ पर आकर सुशांत सिंह राजपूत की बहुत याद आ रही है यार। लेट्स सी द ब्यूटीफुल व्यू हेयर, वाओ यार अमेजिंग। ये बर्फ के पहाड़ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि रूम लेने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना कि वहां पर गीजर लगा हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ का पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, हाथ लगाते ही आपके हाथ सुन्न पड़ जाएंगे बिल्कुल। एक बात और, अगर आप जियो और एयरटेल दोनों यूज़ करते हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ एयरटेल के नेटवर्क आते हैं, जियो के नहीं, तो यहाँ आने से पहले एयरटेल में रिचार्ज जरूर करा लेना यार। यहाँ की ना एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी मेरे को, यहाँ पर जो लोग रहते होंगे उन्हें फ्रिज की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। मैंने लिम्का ली जो कि बाहर पड़ी हुई थी, बिल्कुल चिल्ड यार, बिल्कुल चिल्ड, फ्रिज में रखी हुई लिम्का भी क्या होती होगी उसके आगे। मैंने लस्सी ली बिल्कुल चिल्ड,
मैं अभी होटल से गर्म पानी करवा के लाया गीजर में, 15 मिनट बाद ऐसा हो चुका था बिल्कुल चिल्ड, क्या बताऊँ। बहुत ही बढ़िया, मतलब यहाँ का मौसम है, गर्मी तो शायद यहाँ पे होती नहीं होगी कभी जिंदगी में। हेलो हेलो, हाय। और तो कहाँ है, और ये बेचारे बहुत थक चुके हैं चल चल के, छोड़ना नहीं दिया सवारी उठा उठा के, इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वे थकता नहीं है तू, ऐसा क्या खाता है भाई तू। अब मैं खड़ा हूँ बिल्कुल खाई के पास, यहाँ से बहुत डर लग रहा है वैसे मुझे, हल्का सा पैर पे चलते ही मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन बस मेरा दिल था ये शूट करने का तो मैं यहाँ पे आ गया। पापा ने बहुत डांटा मुझे कि इतनी आगे मत जा फिर जाएगा, पर मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ से पहाड़ों की एक वीडियो बनाने का। ये केदारनाथ का हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पर अभी हेलीकॉप्टर आके रुकेगा, मैं आपको दिखाऊँगा जब हेलीकॉप्टर आएगा। ये हेलीकॉप्टर आ चुका है, अबे यहाँ पे आके रुकेगा। यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। ये रही वो मंजिल जिसके लिए हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं और 20 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। हर महादेव। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। सॉरी, यहाँ की लाइन मैंने बोला था 1 किलोमीटर, पर यहाँ की लाइन 2 किलोमीटर से भी लंबी है, पर अपने को क्या, अपनी तो सेटिंग है, हम तो बिना किसी लाइनमैन के दर्शन कराएंगे 2 मिनट में। तेरे दर तेरे दरबार से दर्द से मिलती शिफा, फैसला ले ले हौसला दे दे, तेरे रंग मैनु रंग लिया, फैसला ले ले हौसला दे दे, तेरे रंग मैनु रंग लिया। फाइनली हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, अब हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, उतर रहे हैं यहाँ से, और हेलीकॉप्टर की टिकट पूछने जा रहा हूँ मैं कितने की है, लेकिन शायद मिलेगी नहीं क्योंकि लोग कहते हैं कि एडवांस में करवानी पड़ती है। फाइनली हम बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं, यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ का लोहे का पुल है, इसके नीचे जमुना है, मैं आपको जमुना का भाप दिखाता हूँ, तेज है। केदारनाथ के मुकाबले बद्रीनाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि यहाँ पे पूरे शहर बसा हुआ है। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं बद्रीनाथ जाने के लिए, मैंने अपना आउटफिट भी चेंज कर लिया है, गॉगल्स भी चेंज कर लिए हैं, मैंने अपना फेवरेट लॉन्ग कोट निकाल लिया है जैसे कि आप देख सकते हो। मुझे ना यहाँ की एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं यार, आदमी बच्चा बूढ़ा औरत, यहाँ पर सब लोग बहुत मेहनती हैं। ये देखो, ये आंटी हाथ से कपड़े धो रही हैं,
ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। हेलो हेलो, मुझे यहाँ पर एक और दोस्त मिला नया। बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाओगे? आ जाओ बिस्किट खाने चले, आ जाओ आ जाओ, चलो चल चल चलो बिस्किट खाने चले, आ जाओ साइड साइड खा लो खा लो, खाओ से पूरा खाओ। चलो भाई खा भी तुम लोग। हमें बद्रीनाथ की ट्रिप कैंसिल करनी पड़ रही है क्योंकि ऊपर खाई में इनोवा गिर गई है और 5 बंदों की डेथ हो गई है। यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कुछ नहीं होता, जैसा नसीब में लिखा था। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं। फाइनली मैं दिल्ली आ चुका हूँ, अपने घर में सेफली आ चुका हूँ। और यार ना तो मैं बद्रीनाथ जा पाया और ना ही मैं हरिद्वार जा पाया, क्योंकि जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा वहाँ पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर वत्थर गिरे हैं, पहाड़ें खिसक गई हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर और वहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में बताऊंगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है केदारनाथ जाने से पहले, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर केदारनाथ पर जियो से ज़्यादा नेटवर्क एयरटेल के आते हैं। दूसरी बात यह है कि होटल प्लीज़ ऑनलाइन बुक करा के जाना, क्योंकि ऊपर भवन पर होटल नहीं मिलेंगे, सब कुछ फुल हो जाता है वहाँ पर। तीसरी बात, अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो प्लीज़ हेलीकॉप्टर बहुत पहले से बुक करा के जाना, 3-4 दिन पहले ही बुक करा के जाना। वहाँ पर जाकर आपको नंबर नहीं आएगा यार, इतनी मर्जी कोशिश करें ना, वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर की लाइन में नंबर नहीं आने वाला आपका। चौथी बात, चढ़ाई करते हुए आप घोड़ा ले सकते हो, पर आते हुए मतलब उतराई करते हुए घोड़ा प्लीज़ यार मत लेना, क्योंकि यार घोड़े के ना पैर फिसल जाते हैं और मतलब बिल्कुल खाई के पास घोड़े चल रहे होते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है। पांचवी बात, अगर आपको वहाँ पर कुछ खाना है तो प्लीज़ यार नीचे से ही ले लेना खाने का सामान, जैसे कोका कोला, थम्सअप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई या नमकीन हो गई, तो वो सब सामान नीचे से ही ले लेना, क्योंकि जितना जितना आप ऊपर चलते जाओगे उतना ही सामान महंगा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नीचे जब मैंने चढ़ना स्टार्ट किया केदारनाथ के लिए तो कोल्ड ड्रिंक बस 50 रुपये की थी, और ऊपर चढ़ते चढ़ते कोल्ड ड्रिंक का रेट 80-90-100 रुपये होता गया। छठी बात, आपको वहाँ पर सिर्फ यार मैगी और आलू का पराठा मिलेगा खाने के लिए, तो पहले से प्रिपेयर होके जाना अच्छी तरह। मैगी खा खा के ना तुम लोग इरिटेट हो जाओगे सीरियसली, वहाँ पर और कुछ है ही नहीं खाने को, बस एक दो दुकानें होंगी जहाँ पर कुछ और खाने को मिलेगा। सातवीं बात, वहाँ पर हेलीकॉप्टर और घोड़े का रेट एग्जैक्ट सेम है, लगभग 4,500-5,000 में आपको हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा और 4,500-5,000 में ही आपको घोड़ा मिलेगा। तो यार घर से ही बुक करके जाना हेलीकॉप्टर के लिए, क्या घोड़े पे इतनी मेहनत करोगे, हेलीकॉप्टर आपको 5-7 मिनट में भवन में उतार देगा पूरा। आई होप यार आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ दिल से शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और शेयर तो दबा के कर ही देना प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।